एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू क्राफ्ट अरीना। सो आज हम करने वाले हैं बॉटल पेंटिंग, और ये बॉटल पेंटिंग ट्रस्ट मी गाइस सुपर इजी बॉटल पेंटिंग है। आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। बॉटल के बेस कलर के लिए मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, और मैंने 2 कोट्स दिए हैं। आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है कि बॉटल पर बेस कलर कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मेंशन किया है बॉटल आर्ट बेसिक्स का, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। सो फर्स्ट मैंने ब्लैक पेंट किया है, उसके बाद ग्लास मार्कर से रैंडमली कुछ भी शेप्स बना दिए हैं। इन शेप्स में कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर वाइब्रेंट कलर्स चूज़ किए हैं, और ये सारे एक्रिलिक कलर्स हैं। नाउ कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रश 1 नंबर यूज़ कर रही हूँ। शेप्स को भी फिनिशिंग देने के लिए हमें 2 कोट्स करने होंगे। सो फर्स्ट हम सारे शेप्स में फर्स्ट कोट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे, देन हम सेकंड कोट करेंगे। बहुत सी क्वेरीज मुझे आती है कि उनका ग्लास पर पेंट रुकता नहीं है, तो उसके लिए फर्स्ट तो आप बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ ना करें मिक्स करने के लिए, और दूसरा ये कि आप जब भी आप पेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइटली आप ब्रश को यूज़ करें। और एक ही जगह पर बार बार कलर ना करें। अगर आप बार बार एक ही जगह पर कलर करेंगे तो बेस कलर निकल जाएगा। अभी फर्स्ट कोट अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैं यहाँ पर सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। सेकंड कोट अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश नंबर 4। सेकंड कोट के लिए आप फ्लैट ब्रश ही यूज़ करें। अगर आप राउंड ब्रश यूज़ करेंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, और उसमें स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आप बिगिनर हैं तो बॉटल की एक साइड के कलर्स को ड्राई होने दें, उसके बाद ही आप दूसरी साइड पर जाएं। अदरवाइज़ आप जब बॉटल को होल्ड करेंगे तो बाय मिस्टेक कलर्स मिक्स हो जाएंगे। जब हमारा सेकंड कोट भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम वाइट कलर से इस टाइप से स्मॉल स्मॉल लाइंस बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश 0 नंबर। गाइज, ये बॉटल आर्ट अगर आप ट्राई करते हैं और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इस बॉटल आर्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
जब ये कंप्लीट हो जाए तो 24 आवर्स के बाद में इस आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निश का एक कोट जरूर करें। एंड नाउ इट्स रेडी। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको यूजफुल लगा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।